हेलो माय डियर फैमिली, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज मैं हूं भिवानी महिंद्रा में और यहां पर है अपनी 2022 की अपडेटेड महिंद्रा क्लासिक एस वाला वेरिएंट। तो जब अपना एन वाला वेरिएंट लॉन्च हुआ था, जिसका मैंने ओवरव्यू कर रखा है, तो उसके बाद थोड़े टाइम के लिए ये मॉडल डिसकंटिन्यू हो गया था। तो काफ़ी जो लवर्स चाह रहे थे कि ये वाला मॉडल आ जाए, तो ये कंपनी ने जस्ट डिसकंटिन्यू किया था इसको अपग्रेड करने के लिए। इसमें जो है जो भी कमियाँ थी उसको सुधार दिया कंपनी ने। तो पर्सनली ये वाला वेरिएंट भी मेरे को थोड़ा ज़्यादा पसंद है कंपैरेटिवली अपना क्लासिक एन वाले वेरिएंट के लिए, लेकिन उसका पूरा ओवरव्यू मैंने कर रखा है। ये वाला जो फिलहाल जो आप वेरिएंट देख पा रहे हो, ये अपना बेस वेरिएंट है। तो हो सकता है जो थोड़े बहुत जो फीचर हैं आपने जो टॉप मॉडल में देखे हों, वो इसमें अवेलेबल ना हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट में अब आपको जितने भी महिंद्रा की अपडेटेड कार मिलेंगी, उसमें आपको ये टू विंग लोगो मिलेगा। जो रिसेंटली XUV 400 आई थी, उसमें भी आपको जो ये नया वाला लोगो देखने को मिलेगा। जितनी भी जो फ्यूचर में गाड़ी अपडेट होकर आती रहेंगी, उनमें आपको सभी में ये लोगो मिलने वाला है। जो अपनी फ्रंट की ग्रिल है, वो आपको जो है मैट फिनिश में देखने को मिलती है, ये नई ग्रिल है। और जो हुड है, हुड के ऊपर आपको एक एयर इनटेक देखने को मिलेगा अपने इंजन के लिए, इंजन को जो है कूल करने के लिए, और इसकी पावर में भी थोड़ा बहुत इनहेंसमेंट करने के लिए। तो जो हेडलैम्प्स हैं, हेडलैम्प पर एक बार फोकस करते हैं। तो हेडलैम्प में आपको जो है यहाँ पर आपको हेलोजन जो है बल्ब देखने को मिलेंगे, लेकिन जो अपर वेरियंट है उसमें आपको जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी देखने को मिलेंगे। नीचे जो प्लेसमेंट है, यहाँ पर जो टॉप वेरियंट है उसमें जो मतलब जो अपर वेरियंट है उसमें आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स भी देखने को मिलती है। नीचे में है नंबर प्लेट होल्डर और इस तरह की आपको जो है नीचे का बम्पर या बैश प्लेट देखने को मिलती है। तो फ्रंट से मैं कहूँगा कि मोस्टली पुरानी जैसी लिखती है, लेकिन जो ग्रिल है, जो लोगो है, वो कंपनी ने अपडेट कर दिया है। और एक ये जो ये वाला सेक्शन होता है, नॉर्मली बेस वेरिएंट में आपने ब्लैक देखा होगा, लेकिन इसमें जो है पेंटेड कर रखा है। यहाँ पर आपको जो है एक हेलोजन छोटा सा टर्न सिग्नल देखने को मिलता है और इस तरह के अपने जो है मिरर्स हैं। तो साइड से देखते हो तो इस तरीके से अपने साइड से आपको जो है पूरी कार देखने को मिलेगी। तो SUV में स्कॉर्पियो काफ़ी फेमस है। अगर आप SUV लवर हो, आपने स्कॉर्पियो नहीं चला या फिर ऑन नहीं किया, तो आपने क्या ही ऑन किया। तो साइड से देखते हैं तो ये अपना जो साइड से देख रखे है, तो थोड़ी बहुत जैसे मैंने कहा थोड़ी बहुत एक्सेसरी फिलहाल इसमें फिटेड है। सारे जो प्राइस लिस्ट है वो वहाँ पर लिख रखे हैं, मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर आपको ये फुट ट्रैक भी देखने को मिलता है और जो व्हील्स आपको जो 17 इंचेस के स्टील व्हील देखने को मिलेंगे, जिनके ऊपर आपको जो है ये व्हील कैप देखने को मिल जाएगी। तो आगे में पीछे में जो चारों व्हील्स हैं, वो आपको 17 इंचेस के जो व्हील देखने को मिलते हैं। और जो टायर साइज है वो है 235 मिलीमीटर और इसमें जो आपको ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलते हैं। फ्रंट में आपको मिल रहा है ब्रेकिंग सिस्टम जो है अपना डिस्क ब्रेक, रियर में जो अपना ड्रम ब्रेक दिया गया। तो अगर हम इंजन के बारे में बात करते थे, 2.2 लीटर का M-Hawk VGT इंजन है, जो ये इनलाइन 4 सिलेंडर डीजल इंजन आपको मिलता है। तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है 130 हॉर्स पावर्स एंड जो मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है वो 300 न्यूटन मीटर का। जो माइलेज है कहीं ना कहीं आपको 10-15 मिल जाएगी, लेकिन वो हो सकता है भाई आपके ड्राइवर के ड्राइविंग स्टाइल एंड रनिंग कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। आपने अगर आपको पता है कि एक्चुअल माइलेज क्या है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके ज़रूर से बताइएगा। तो इंजन काफ़ी सही है, पावरफुल इंजन है और फ्यूल इंजेक्शन है। और सेफ्टी वाइज देखें तो फिलहाल मेरे को पता है कि इसमें एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम तो आपका मिल रहे हैं। अदर जो फीचर्स हैं वो थोड़े से लैक करते हैं, क्योंकि ये टॉप वेरिएंट नहीं है। यहाँ पर जो इसके डोर अनलॉक हैंडल है, यहाँ पर आपको कीलेस एंट्री नहीं है, नॉर्मल आपको की देखने को मिलती है। इस तरह के कुछ मिरर्स हैं, मिरर्स भी आप जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड नहीं है, आपको यहाँ से जो है इनको ऑपरेट करना पड़ेगा। यह है इसका पीछे का डोर हैंडल, इस तरह की जो कि ऊपर की जो है रूफ रेल कह लो या फिर जो अपने रूफ रैक होता है वो है। यहाँ पर इसकी फ्यूल लिड और यहाँ पर आपकी नॉर्मल जो अपनी स्कॉर्पियो की टेल लाइट होती है वो फुली, आपको जो पीछे में जो टेल लाइट है वो LED है, लेकिन इसके अंदर जो टर्न सिग्नल जो रियर पार्किंग बल्ब है वो आपको जो है हेलोजन ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको स्कॉर्पियो क्लासिक एस वेरिएंट, तो एस वेरिएंट जो मतलब S11 या फिर जो बेस वगैरह होता है, पीछे में भी आपको जो है कैमरा देखने को मिलता है। पीछे में आपको वाइपर नहीं दिया गया है और मेरे हिसाब से डिफॉगर भी नहीं है। पीछे में आपको टॉप स्टॉप लैंप भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर अपना अगेन महिंद्रा का न्यू लोगो जो कि सभी अपडेटेड कार में आ रहा है। यहाँ पर अपना जो रियर आपको डोर हैंडल देखने को मिलेगा। नीचे में है टॉइंग हुक, रियर में रिफ्लेक्टर, यहाँ पर आपको जो है स्टेप अप करने के लिए यहाँ पर आपको रैक दिया गया है। पीछे में आपको जो है आपको पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिलते हैं। अनलॉक करते हैं तो पहले जैसे कि आपने क्लासिक में देखा अपनी एन में, वहाँ पर आपको हाइड्रोलिक दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इस वेरियंट में तो भाई हाइड्रोलिक है नहीं, हो सकता है अपर वेरियंट में हो। पीछे में यहाँ पर आपको स्पीकर्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपका अनलॉक के लिए हैंडल, यहाँ पर आपको पकड़ने के लिए हैंडल दिया गया है और ये है इसकी जो है पीछे वाली सीट, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीट हैं भाई, आपको इस तरह में से आपसे इनको फोल्ड भी कर सकते हो, इस तरह से इनको फोल्ड कर सकते हो। और नीचे में इसका जो है अलॉय व्हील रखा होगा, पीछे वाला जो स्पेयर व्हील रखा होता है। तो पीछे का जो स्पेस है काफ़ी मतलब ठीक स्पेस दिया गया है, लेकिन पीछे में मेरे हिसाब से यही जो इसके AC वेंट्स होंगे भाई, और कहीं तो मेरे को दिख नहीं रही। और पीछे में लाइट आपको वहाँ पर ऊपर में दी गई है और जो सीट है मतलब बैठने लायक है, बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन स्पेस बीच में काफ़ी इसमें ज़्यादा गया है। आप चलते हैं अपनी फ्रंट वाली सीट के ऊपर।
तो यहाँ पर जो रियर पैसेंजर की जो डोर अनलॉक हैंडल है वो भी आपको सेम ही देखने को मिलते हैं। कीलेस एंट्री आपको किसी भी वेरिएंट में देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो अपना डैशबोर्ड है जो बिल्कुल जो नॉर्मल रखा गया है, यहाँ पर आपको जो बोतल होल्डर नहीं मिल रहा है। यहाँ अपना जो हुक है यहाँ पर आपको जो डोर अनलॉक के लिए दिया गया है। और जो भाई वो एक चीज़ मैं नहीं देख पा रहा हूँ वो है इसको ऑपरेट करने के लिए जो है, मतलब डोर विंडो को अनलॉक करने मतलब नीचे करने के लिए, वो कहीं पर नहीं दिख रहा है। इस तरह की अपनी जो रियर की सीट्स हैं आपको दोनों पैसेंजर के लिए जो है हेडरेस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक आर्म रेस्ट नहीं है भाई, आर्म रेस्ट नहीं है, बस ये कवर लगा रखा है, तो ये एज एन एक्सेसरी है। बीच वाले में भी आपको कोई हम्प कम है और मतलब बिल्कुल फ्लैट सीट है, काफ़ी जो वाइड सीट है, कंफर्टेबल सीट दिख रही है। वहाँ पर भी जो सेम है डोर में वही पैटर्न दिया गया है। और मेरे हिसाब से इसको ऑपरेट करने के लिए यार एक चीज़ मैं देख नहीं पा रहा कि आपको अगर आपने विंडो नीचे करनी है तो वो कहाँ से होगी। आई गेस मेरे हिसाब से बेस वेरियंट में आपको जो है फ्रंट ड्राइवर साइड से जो सब ऑपरेट होगा। तो ये अपनी को पैसेंजर की सीट, और यहाँ पर आपको मिल रहा है नीचे एक स्पीकर। यहाँ पर आपको अगेन यहाँ पर भी कोई बोतल होल्डर नहीं है, और ये इसको अनलॉक करने के लिए, और जो मिरर्स हैं आपको जो है मैन्युअली ही ऑपरेट करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली इस वेरिएंट में नहीं है। तो ये है अपना डैशबोर्ड, और यहाँ पर आपको मिल रही है स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग, और ये है इसका ग्लव बॉक्स। तो ग्लव बॉक्स में आपका जो स्पेस है सफिशिएंट है, और ये है इसके एसी वेंट्स। तो यहाँ पर आपको मतलब जो पीछे में बीच में एक इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने कहा ये बेस मॉडल है, तो हो सकता है जितनी मोस्टली आप एक्सेसरीज देख रहे हो वो फिलहाल लगा रखे। यहाँ पर जो प्राइजेस लिख रखी है तो सारे जो प्राइजेस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर है इसका सन, मतलब जो सन से प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर आपको बीच में मिरर भी दिया गया है, और ये है इसका गियर लीवर। इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ पर है अपना हैंड ब्रेक, और यहाँ पर जो है सारे विंडोज़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर दे रखे हैं भाई बटन्स। बीच में आपको मिल रहा है एसी वाले इवेंट्स। और अब चलते हैं अपने ड्राइवर के साइड, वहाँ पर आपको क्या कुछ जो फीचर्स ऑफर हो रहे हैं। यहाँ पर भी आपको जो है मतलब बोतल होल्डर वगैरह नहीं है। नीचे में आपको स्पीकर है, यहाँ पर पकड़ने के लिए हैंडल है, ये अनलॉक हैंडल है। और जैसे ही आप डोर अनलॉक करते हो ना, तो आप देख पा रहे हो इसके मतलब, एक बार फोकस कर दूँ, की के पास जो है एम्बियंट लाइटिंग मतलब लाइट वगैरह दे रखी है, ताकि आप आसानी से इसको जो है लोकेट कर सको। यहाँ पर है आपको दिए गए हैं फ्यूल लीवर ओपन करने के लिए, स्टार्ट स्टॉप बटन है, और हेडलाइट लेवलर है। यहाँ पर आपके एसी वेंट्स हैं। जो अपना मीटर है वो अपना पास डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर है। यहाँ पर आपको आरपीएम गेज, यहाँ पर आपकी स्पीड 0 to 180। बीच में आपको जो है छोटी डिजिटल डिस्प्ले दे रखी है, जिसमें आपको ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर और एवरेज फ्यूल कंजप्शन जैसे स्पीड आपको देखने को मिल जाएंगे। ये है अपना हॉर्न। यहाँ पर आपको अगेन मिल रही है महिंद्रा का न्यू लोगो। ये हैं कंट्रोल्स अपने हेडलाइट पास बटन और वाइपर्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। स्टेयरिंग पर आपको कोई भी बटन नहीं दिए गए हैं एक्स्ट्रा कंट्रोल्स के लिए, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, और यहाँ पर जो कंट्रोल्स हैं वो एसी के लिए और एसी फैन को कंट्रोल करने के लिए हैजार्ड बटन है। और वहाँ पर एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। यूएसबी चार्जिंग मैं सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और एक चीज़ देखते हैं भाई, यहाँ पर तो फ़ोन वगैरह रखने के लिए ही है। तो ये जो बेस वेरिएंट है इसमें आपको थोड़ी बहुत जो फीचर्स हैं वो लैक करते हैं, जो आपको अपर वेरिएंट में देखने को मिल रहे हैं। आप वहाँ पर आपके वाइपर हैं, वहाँ पर आपका जो है वॉशर है। तो ये है अपना बेस वेरिएंट है, और जो जितने भी जो आइटम्स हैं जैसे कि एंड्रॉयड सिस्टम, और इनकी जो प्राइस लिस्ट है वो यहाँ पर लग रखी है। तो आप वीडियो को पॉज करके जो है एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। ऊपर जो आपको रूफ रेल मिल रहे हैं, तो जिसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 209 mm का जो है आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। तो ये है अपना बेस वेरिएंट 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक वेरिएंट का, क्लासिक एस वेरिएंट का। तो मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ें हैं भाई कि भाई आपको बेस वेरिएंट में लैक करने को मिल जाती हैं, लेकिन वहीं पर जो अपना स्कॉर्पियो एन है, एन वाला फ्रंट से काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन रियर से वो भाई थोड़ा सा वैगनर टाइप फील देता है। लेकिन स्कॉर्पियो एन जो भाई काफ़ी समय से चली आ रही है और काफ़ी पसंद की जाती है, तो फिर से वापस आ गई है। तो अगर आपको ये गाड़ी लेनी रहेगी या फिर महिंद्रा की कोई भी अदर गाड़ी लेनी रहेगी, एक्सयूवी 400 300 मेरे हिसाब से वो थार आ गई है, वहाँ पर आपको स्कॉर्पियो मिल जाएगी, और कमर्शियल व्हीकल भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये थी अपनी वीडियो, महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक एस वेरिएंट की बेस मॉडल है ये अपना। और अगर आपको कुछ क्वेरी वगैरह पूछनी हो फाइनेंस रिलेटेड, प्राइस रिलेटेड, तो महिंद्रा स्कॉर्पियो मतलब भिवानी महिंद्रा का जो कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस डिटेल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो इसका सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना।